नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड थोड़ा रिलैक्सिंग एपिसोड था, मगर इस रिलैक्स वाले एपिसोड में बा का तड़का लगा। बा और डिम्पी में एक बड़ा क्लेश जो कल देखने को मिलेगा, मगर इस क्लेश से पहले इस एपिसोड के बारे में आपके जो रिव्यूज हैं वो सुनाने आई हूँ, सुनाती हूँ आपको। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सुनते हैं क्या कहते हो आप। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदिनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। पाखी को हथियार बनाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही अपने आप में हथियार है। वो शुरू से ही बहुत बदतमीज लड़की रही है, उसने अपनी माँ का कभी भी सम्मान नहीं किया है। वनराज और तोसु दोनों मिलकर अनुपमा और समर को लूज़र बोला करते थे। मनीषा दोषी जी, डिम्पी कोई अबॉर्शन कराने वाली नहीं है, आप परेशान मत हो। सही रहेगा, डिम्पी जैसी नागिन अनुपमा को परेशान करेगी, बहुत सही करेगी। इसकी जिम्मेदार कौन है? अनुपमा मैडम। सही तो है, जिसको दूध पिलाओगी वही डसेगी। रेखा जी, आपने सही कहा मालती देवी के बारे में। रेखा जी, आपका वो बहुत अच्छा लगा जो आपने अनुपमा के लिए बोला, मैं सच बहुत अच्छा लगा। डिम्पी का पछतावा कुछ पलों का है रेखा जी, अभी डिम्पी को अपने फॉर्म में आने दो, फिर देखना इसके तेवर। रेखा जी, गुस्सा करो पर आहिस्ता से, अपना बीपी ना बढ़ा लेना। आपकी आवाज़ से लग रहा है कि बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आज का एपिसोड देखा, निकम्मे शाह हाउस वाले पहले कह रहे थे कि केस वापस ले लो, अब देखो कितना खुश हैं। वनराज दुबका बैठा है बिल में, घुसा बैठा है, फिर नाटक कर रहा है बीमार होने का, बदतमीज़ वनराज। डिप्रेशन है भी कि नहीं पता नहीं। तोसु कह रहा है अच्छा बेटा बनना चाहता है। अच्छा बेटा ऐसे बना जाता है? घर छोड़कर, मैदान छोड़कर, भाग कर जाना। बात तुम लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए है ना अनुपमा, वो लेकर जाएगी। अनुज कितना खुश हो रहा है अनुपमा को देखकर। मालती देवी कितनी मक्कार है सच में। अनुज अनुपमा के सीन अच्छे लगे, मालती देवी जासूसी कर रही है छोटी अनु के जरिए। अब मैडम ने सूरी बोली, सूरी सूरी सूरी। अनुज की बातें नहीं सुन पाई पर वनराज की बातें सुन पाई। जब अनुज ने इंसाफ दिलाया, साथ दिया, तब आंखें खुल गई मैडम की, सूरी सूरी बोलने लगी। सीख लो अनुपमा मैडम अनुज से कि प्यार ऐसे किया जाता है, विश्वास ऐसे किया जाता है। तुम्हारी तरह नहीं, वनराज की बातों में आकर अनुज की बेइज्जती करवाती रहो। वनराज घर से निकालता रहे, बाप बेइज्जती करती रहे, मैडम चुपचाप निहारती रहें। सीखो मैडम सीखो। इन दोनों के प्यारे मोमेंट्स में खलनायिका बा का फ़ोन या मैसेज नहीं आया, हैरानी हो रही है। अभी मैडम बोल रही हैं हम, मैं, मेरा परिवार, पर शाह हाउस से फ़ोन आते ही सब कुछ भूल जाएंगी मैडम। अनुज का इतना प्यार पाकर ही तो मैडम इतराने लगती हैं, बस और कोई बात नहीं है। अनुज सारे रिश्तों को ढो रही है, अनुज को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जवाब दिया मालती देवी को, पर तुम तो झेल रहे हो, ऐसे ही झेलते रहोगे अनुज, वो ऐसे ही भागती रहेगी शाह हाउस। अच्छा है, ऐसा पति होना भी चाहिए कि पत्नी की हर बात अच्छी हो या बुरी। धन्य है अनुज कपाड़िया भी सच में। बरखा ने एक बात सही कही, अनुपमा एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। अनुज बरखा मालती देवी को चिढ़ा रही है। अनुज का सरप्राइज अनुपमा के लिए, खैर मालती देवी ने दोनों की आरती उतारी, अच्छा लगा। देखो बेचारी छोटी अनु कैसे कह रही है कि अनुपमा से कि अब तो आपके पास टाइम होगा ना। बेचारी का बचपन चला गया इन मैडम की वजह से, शाह हाउस की वजह से। मालती तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, अनुज का इतना प्यार अनुपमा के लिए। वाह बापू जी वाह, आप भी कमाल करते हो, अपने घर का खुद का नहीं कुछ कर पाते हो। और मैसेज कर दिया, अनुपमा बेटा घर आ जाओ। क्यों भाई क्यों, क्या उसका घर नहीं है जो आ जाए? अब अनुपमा अपने घर छोटी पर ध्यान दो, अच्छा रहेगा। बापू जी अपनी बीवी को संभालो तो अच्छा रहेगा। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद सब लोग को, मेरा नमस्ते, मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज के अनुपमा के एपिसोड में मेरे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि बा का रवैया डिम्पी के प्रति जो है, हमने देखा जब से समर की डेथ हुई है तब से बा जिस तरह से डिम्पी के साथ को ट्रीट करे कि वो विधवा है। तो बा ओवरऑल मैं बा के बारे में बोलूँ तो बा, हम जानते हैं कि बड़े बुजुर्गों की सोच जो होती है वो इजीली नहीं बदलती, लेकिन बा के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते।
क्योंकि बाकी सोच जब उनके अपने बच्चों ब्लड रिलेशंस की बात आती है तो उनकी सोच बदल जाती है, तब उन्हें दुनियादारी समाज कुछ याद नहीं आता। लेकिन वही सोच उनकी जब ब्लड रिलेशंस नहीं होते, जैसे उनकी बहुएं हैं या दामाद हैं, तो उनकी ब्लड सोच पूरी बदल जाती है। तब पूरे के पूरे वो नो एकदम सही गलत के फॉर्म में आ जाती हैं, या फिर समाज दुनियादारी की उनको पूरी पूरी सब याद आ जाता है। अगर हम लोग कितनी चीज़ें अगर मैं मतलब गिनाने बैठूं तो कम पड़ जाए, लेकिन एक एक मतलब हमने देखा कि किस तरह से बाने वनराज और अनुपमा के बीच में फ़र्क किया है। तो बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे वनराज ने जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया तो क्या तब बा ने उन्हें उससे कहा कि तेरी वजह से अब हमें समाज से ताने सुनने पड़ेंगे, समाज हमें क्या कहेगा, ये सब उन्होंने नहीं कहा वनराज से। वो वनराज को बस ये कही कि तू बस अपना घर बच्चा उसको छोड़ दे, इतना ही बोला होगा। और वनराज जब कावा के साथ आए तब भी क्या बा ने कोई ऑब्जेक्शन जताया, उल्टा उसको घर बुला के उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं धूमधाम से। यही चीज़ कभी अनुपमा का बर्थडे तो सेलिब्रेट नहीं किया उन्होंने, और ऊपर से जब अनुपमा ने तलाक लिया तो उसको कितनी बातें उल्टी सीधी घटिया कही होंगी, और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला कि तू घर तोड़ने वाली है, तेरी वजह से परिवार बिखर जाएगा, कैसी कैसी बातें कही उसको। फिर जब वनराज ने दूसरी शादी की तो कोई इश्यूज़ नहीं, कोई ऑब्जेक्शन ऐसे नहीं जताया, मतलब ये समाज को लेकर नहीं जताया कि भाई समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तब कुछ नहीं। लेकिन जब अनुपमा ने शादी करनी चाही तो कैसे ताने मार, कैसे तमाशा किया था, गोल गोल घूम के डांस कर रही थी और क्या बोल रहा था कि दादी की शादी होगी तो पूरा समाज ताने देने के लिए दूसरा जन्म लेगा एंड ऑल, मतलब किस लेवल पे जाके उन्होंने बातें की थी गिर के। तो यही कितने सारे डबल स्टैंडर्ड हैं बाके, जो गिनाने बैठो तो भाई मतलब एक मतलब 3-4 ऑडियोज़ कम पड़ जाए मुझे तो लगता है। फिर और कितने चीज़ें, जैसे अब अनुपमा ने छोटी अनु को जब अडॉप्ट किया तब भी बा ने तमाशे किए, तब भी क्या उल्टा सीधा बोला कि दादी की उम्र में तू माँ बन रही है, ये कोई उम्र है ऐसा करने की। फिर जब वही वनराज जब काव्या की प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई थी तब मतलब सबको ये लगा कि वो वनराज का ही बेबी है, तब तो बा खुश हो रही थी। तब बा ने एक भी बात नहीं बोला वनराज से कि समाज में क्या मुंह दिखाएगा, लोग क्या कहेंगे, ये सब कुछ नहीं बोला वो वनराज। उन्होंने पूछा तू खुश है, तो मैं भी खुश हूँ, ऐसे करके वो ठीक हो गई। कितने इंस्टेंस हैं, जब पारितोष ने किंजल को धोखा दिया था तो किंजल को समझा रही थी कि भाई तू अपने पति के खिलाफ, मतलब तब हमने देखा था कि किंजल ने कहा था कि वो तोशु पे केस करेगी, उसे जेल भेजेगी, और फिर जब उसने किडनैप किया था परी को तो शून्य तब उसको किडनैपिंग में भी अरेस्ट करवाना चाहती, तब बाने कैसे बोला था कि तू अपने पति को जेल कैसे भेज सकती है। लेकिन फिर वही जब अधिक ने पाखी पे हाथ उठाया था तब तो बाने एक भी बार नहीं बोला बाकी को कि तू अपने पति को जेल कैसे भेज सकती है, तब तो वो पूरी रेडी थी जेल भेजने के लिए अधिक को। तो बाकी ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हम क्लियरली देख सकते हैं, और आज भी उन्होंने फिर वही किया। डिम्पी के लिए उनके डबल स्टैंडर्ड्स मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर डिम्पी को कुछ हो जाता वो इस दुनिया में नहीं रहती तो क्या वो संभल को भी ये बोलती कि भाई तू बाहर क्यों घूम रहा है, तू डांस क्यों कर रहा है, डांस क्यों कर रहा है, बाहर घूम फिर क्यों रहा है, वो समर को कहती? वो तो उल्टा समर को इंकरेज करती कि तू जीना मत छोड़, और आई एम वेरी श्योर कि उस समर को दूसरी शादी के लिए भी बोलती। लेकिन वही अब यहाँ सिचुएशन अलग है, दैट समर की हुई है तो भाई अब डिम्पी पे रोक टोक लगा रही हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो बाकी मतलब अब सीरियसली बर्दाश्त के बाहर हैं, पर लेकिन शायद यही है कि एक अच्छा सोशल मैसेज देना है तो इसलिए शायद बा जैसे कैरेक्टर को रखा हुआ है कि एक सोशल मैसेज दे सके। मतलब मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन शायद बोलना ही पड़ेगा कि विधवाओं को भी जीने का हक है, पूरा हक है। अगर वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद कोई लेडी आगे बढ़ना चाहती है अपनी लाइफ में तो पूरा उन्हें हक है, उन्हें बढ़ना भी चाहिए। तो आई होप शो के मेकर्स ये एक अच्छा ट्रैक लेके आए, एक सोशल मैसेज लेके आए जो काफ़ी टाइम से दिखता नहीं है, पर आई होप वो ऐसा करें। तो ये तो थी डिम्पी के बारे में। फिर अभी बात करना चाहूँगी तोशु और पाखी के बारे में। तो समझ ही नहीं आता ये कैसे बच्चे जिनकी आँख में शर्म का पानी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ बेशर्मी और कर रहे हैं।
तो अशु ने आज कैसे बोला कि मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जब अच्छा बेटा बनने की ज़रूरत थी, एंड लेट मी रिपीट, ज़रूरत थी, तब तो वो अच्छा बेटा बना नहीं। जब उसे समर की डेथ के बाद उसको अपनी फैमिली को संभालने की ज़रूरत थी, सपोर्ट करने की ज़रूरत थी, अपनी गवाही देनी थी, उसने एक भी चीज़ ऐसी नहीं की। उल्टा उसने क्या डिसाइड किया कि भाग जाओ सब कुछ छोड़ के। ये अच्छा बेटा जब बनना था तब तो वो बना नहीं, और अब जब उसकी शायद ऑलमोस्ट ज़रूरत ही नहीं है फैमिली में, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देखेंगे पाए तो उसको कुछ कर ही नहीं रहा है, ना घर के काम करता है, ना कोई जॉब करता है, घर में पड़ा रहता है। तो घर में वो कहते हैं ना, काम का ना काज का दुश्मन अनाज का, तो ऐसा कोई आदमी अगर फैमिली से चला जाए तो वो फैमिली पे उपकार है एक तरह से, तो वो तो जाके उपकार कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। तो ऐसा आदमी जब कहे कि भाई मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ जब सब कुछ नॉर्मल हो तो भाई ऐसा लगता है कि भाई ये कितना बड़ा मतलब एक तरह से सरकाज़म है, या कौन ये कौन है जो इस तरह से बात कर रहा है। ये पता नहीं ये आदमी खुद को ताने मार रहा है या फिर क्या कह रहा है, ये कुछ ये इतना बड़ा मुझे अजीब लगा, मतलब मुझे शायद वर्ड नहीं मिल रहा है इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए। पर आज का जो मैंने देखा ये मुझे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तोशु ये बात कर रहा है कि मैं अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि वो किसी एंगल से किसी तरह से ना अच्छा बेटा है, ना पोता है, ना भाई है, ना हस्बैंड है, और फादर पता नहीं कैसा है अभी भी, मतलब इतना ही दिखाते हैं कि परी को संभाल रहा है, पर आगे जाके कैसे संस्कार दे रहा है, परी को क्या समझा रहा है, क्या सिखा रहा है, ये तो आगे पता चलेगा। पर जो इतने सारे रोल्स में फेल हुआ है वो फादर के रोल में सक्सेसफुल हो, ये चांसेस बहुत कम है। पर देखते हैं आगे वो कैसा फादर बनता है। पर हाँ, ये पारितोष के जो ऐसे बेशर्मी आज देखी तो भाई समझ नहीं आया इसे ऐसे कैरेक्टर को क्या कहें। अब तो लगता है कि भाई इसका शाह फैमिली से जाने में ही एक तरह से शाह फैमिली और अनुपमा के लिए भी वरदान है कि अनुपमा को अब इसकी किंजल की और परी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से शायद आज़ादी मिल जाए। आज पाखी को भी जब हमने देखा कि वो किस तरह से सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रही थी, उसे ज़्यादा भी शर्म नहीं आई सेलिब्रेशन में पार्ट लेते हुए, उसे और अधिक को, ना तो उसने अधिक को गवाही देने दी, ना अपनी माँ की लड़ाई में सपोर्ट किया, ना फैमिली को संभाला, उल्टा अपनी इश्यूज़ को लेके वो रो रही थी कि मेरे इश्यूज़ को देखो, समर की जस्टिस की लड़ाई को उन्होंने भाड़ में जाया, उसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बावजूद भी समर जब अनुपमा रोमिल की हेल्प ले रही थी और लड़ रही थी, कुछ सोच रही थी, उसमें भी वो रोड ब्लॉक बन रही थी, वो और तोशु भी, तोशु ने भी कह दिया था कि केस वापस ले लो, दोनों ने ही कहा, तो इनको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती इस तरह से। मतलब पाखी को ज़रा शर्म नहीं आई कि उसका क्या हक बनता है उस सेलिब्रेशन में पार्ट लेने का, वहाँ पे अपनी माँ के सामने जाने में भी उसे कैसे हिम्मत आ गई, किस मुँह से अपनी माँ के सामने आई है वो आज, उसको ज़रा नहीं लगा कि आज मेरी माँ ने मुझे फिर से गलत साबित किया। अनुपमा ने, हमने देखा कल के एपिसोड में किस तरह से अनुपमा ने सोनू को उकसाया, सोनू ने उस पर गन लगा दी, मतलब ऐसे गन पॉइंट आउट की थी, और फिर अगर गोली चल जाती, कुछ हो जाता अनुपमा को, लेकिन इन बच्चों को लगता ज़रा भी कि हाँ कहीं हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, हमने अपनी माँ का साथ नहीं दिया, इसलिए हमारी माँ को इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा, उनको कुछ हो सकता था, ये एक भी बार उन्हें नहीं लगा, और लगेगा भी नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों अपने आप से बाहर नहीं आते, इन्हें सिर्फ मैं जीना आता है, मैं करते रहते हैं बकरी की तरह, तो ऐसा ना हो एक दिन बकरी की तरह कुर्बान भी हो जाएं, भगवान ही जाने इनका क्या होने वाला है। पर वही लगता है कि कभी कभी क्योंकि अनुपमा इन्हें नहीं छोड़ पाती है, अब जैसे भी हैं उसी के बच्चे, तो शायद एक माँ आइडियली कोई भी माँ बच्चा कैसा भी हो उसकी चिंता करना, उसके बारे में सोचना नहीं बंद कर सकती, पर एटलीस्ट अनुपमा इनके लिए अब करना छोड़ दे। तो हमने देखा कि मालती देवी के बारे में, अब यहीं से मैं बात करना चाहूँगी आगे, कि मालती देवी ये सब चीज़ें देख रही हैं, मालती देवी देख रही हैं कि किस तरह से अनुपमा शाह फैमिली के लिए, इन लोग के लिए कर रही है, उनके जो अनुपमा को लेके फीलिंग्स हैं और ऑब्जर्वेशंस हैं वो गलत नहीं हैं, क्योंकि ये सब हम भी फील करते हैं। पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब तक मालती देवी खुद अपनी गलती नहीं सुधार रही, वो अपनी गलती का प्रायश्चित नहीं कर रही, उन्हें अपनी गलती की माफ़ी नहीं मिली, उन्हें माँ होने का वो ओहदा नहीं मिला अनुज की लाइफ में, वो माँ की जगह नहीं ले पाई, तो वो कौन होती हैं अनुज और अनुपमा के बीच में बोलने वाली? नहीं करना चाहिए ऐसा।
फिर ये तो थी मालती देवी के बारे में। फाइनली जो मैंने फाइनल ऑब्जर्वेशन जो था आज मेरा अनुज अनुपमा को लेके, बहुत अच्छा लगा कि उनके बीच में सब ठीक हो गया। और जो भी अनुज ने जिस तरह से अनुज आज अनुपमा की केयर की, उस पे प्यार लुटाया, वो सब बहुत अच्छा लगा। अनुपमा के भी आज कुछ बातें मुझे अच्छी लगी कि जिस तरह से उसने अनुज से पहले तो माफ़ी मांगी अपने जो रूड बिहेवियर था समर के डेथ के टाइम, जो उसने जो भी गलत किया और होने दिया अनुज के साथ, उस सब के लिए माफ़ी मांगी, तो वो अच्छा लगा। फिर उसका ये कहना कि अब से अपना घर, अपना परिवार, अपना काम हम ये सब देखेंगे और कुछ नहीं। फिर और उस बात को उसने आगे जाके, जब बापूजी का मैसेज आया तो उस बात पे उसने अमल भी किया। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बात कही, अब लगा भी कि जब बापूजी का मैसेज आया तब उसने कहा कि आऊँगी पर बाद में, तो मीन्स अब अगर उसे अपनी फैमिली को पहले प्रायोरिटी देनी है फिर बाकी शाह फैमिली को बाद में, ऐसा ही मुझे लगा। किसी तरफ बढ़ रहा भी, आगे जाके और क्लियर होगा कि सच में वो ऐसा ही कर रही है या फिर से जैसे हमेशा बस बोलती आई है कि मैं अपने बारे में सोचूंगी, फिर इवेंचुअली शाह हाउस में ही हमें करते हुए दिखाई दे रही थी अनुपमा। तो ये आगे के एपिसोड में क्लियर होगा, लेकिन आज की, अगर आज के एपिसोड तक की मैं बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा अनुपमा को देख के, और लगा कि वो अब सुधरने के उस पर आ रही है कि अब वो अपनी फैमिली को टाइम देगी, अपने करियर को टाइम देगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने डांस को, अपने ऑफिस को उन्हें टाइम देगी, छोटी को, अनुज को, अपने घर को, अपने फैमिली को टाइम देगी, ना कि शाह फैमिली के अननेसेसरी इशूज़ पे अब वो उसकी तरफ अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करेगी। तो आई होप वो जो उसने आज जो जिस तरह से उसका एक्शन दिखा, जैसे बापूजी के मैसेज पे जो उसका था कि भाई मैं आऊँगी बाद में आऊँगी, तो मतलब अपनी सहूलियत से आऊँगी, अगर उसे टाइम मिलेगा, उसे लगेगा कि जाना चाहिए तो जाएगी, पर इवेंचुअली आई डोंट, आप नहीं जानते कि आगे के एपिसोड में हम इस बार ये हमारी उम्मीद जो है वो सच होगी या फिर हम और डिसअपॉइंट होंगे, हम नहीं जानते। पर हाँ, आज के एपिसोड में ये चीज़ अच्छी लगी एंड आई होप ये कंटिन्यू रहे। सो मेरे ऑडियोज़ में इसी नोट पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मनीषा जी, कल आपने कहा कि मैंने कमेंट्स जिनका किया उनकी बातों पे जो मैंने कहा, तो मैंने एक तो आपके आपको कहा ही नहीं, मैंने आपके लिए आपका मैंने आपको ऐसा बोलते सुना नहीं। जो मेरे पॉइंट थे, मेरे पॉइंट ये थे कि मुझे ये कहना था कि हम लोग जब अनुपमा को गलत कह रहे हैं, वो एक्स हस्बैंड को लेके बोला जाता है कि वो एक्स हस्बैंड से चिपकी जा रही है, उसी की बात को सुन रही है, वो ही सब कर रही है, तो वो ऐसा नहीं है। अनुपमा ऐसा कैरेक्टर नहीं है। अगर किसी को ऐसे ना सीधे सीधे उसके कैरेक्टर पे शक करना है, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाना है कि वो एक्स हस्बैंड के लिए वहाँ जाती है, वो अभी भी उसको वही जरिए चाहिए। बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि वो अभी उसी के साथ रहे, उसी को समझे और छोड़ दे, का उसी से शादी करे, या इस टाइप के बहुत से कमेंट्स मैंने पढ़े। तो मुझे उन कमेंट्स में बोलना था, मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं कहा और आपको मैंने ऐसा कुछ बोलते सुना भी नहीं। आपका अनुपमा से गुस्सा बहुत आया जी, जो दिख रहा था। आप नहीं चाहती कि अनुपमा ऐसा कुछ करे, आप नहीं चाहती थी, आप मान को साथ देखना चाहती, तो समझ में आता था। मैंने आपको कभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी। पर मैंने जनरल अपने उसमें बोला था कि वो कमेंट्स आते हैं, जैसे मेरे कोई ऑडियो आपको पसंद नहीं आ रहे, जो कोई सहमत नहीं तो वो बिंदास बोल सकते, तो मैंने भी किसी के इस कमेंट्स में बोला बस उतना ही कि अनुपमा ऐसा कैरेक्टर नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले एहसास अनुज को होता, क्योंकि वो जरूर से उससे प्यार करता है। अगर जब कोई किसी से प्यार करता है ना, तो उसको सबसे पहली फीलिंग आ जाती है कि उसका पार्टनर उसके साथ चीट कर रहा है या उसका पार्टनर उसके साथ गलत कर रहा है। तो ये मुझे कहना है कि अगर प्यार करने वाला ही अगर इस बात को समझ रहा है, तो फिर किसी और को जरूरत ही क्या है इस सब चीज़ में बोलने की। तो ये मुझे कहना है। और आज मालती देवी को भी वही अनुज ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया, जब वो कहती है कि वो एक्स हस्बैंड के लिए क्यों सोचती है, उसकी चिंता क्यों करती, तो उसने कहा ना कि वो एक इंसान है और अनुपमा दोनों परिवार को साथ लेके चलना चाह रही, तो क्या प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से कहा, जब उसको नहीं है तो किसी और को क्यों प्रॉब्लम है। आज बहुत अच्छा
जवाब दिया अनु जी ने, और आज अनुपमा के भी मैंने मुझे बहुत खुशी हुई, और मान को जब उनके बातें सुनते हुए उनके बीच का रोमांस वो बातें, और जब अनुपमा ने सॉरी कहा अनु से, वो सब बातें उसने कन्विंस की, उस कहा कि मैं बहुत दर्द में थी, मुझे टूट गई थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या सही क्या गलत, और नहीं समझ में आ रहा था कि आप अकेले, आपका अकेलापन नहीं समझ दिख रहा था, आपका आपका दर्द नहीं दिख रहा था मुझे, और कहा था कि मुझे आपसे, आपके साथ जो बुरा हो रहा था वो मुझे देखा नहीं जा रहा था, तो कहा ना उसने, जब हमने भी देखा वो सीन जब वो धक्के मार के निकालता है तो समर के फोटो का गिरना, तो और अनुपमा ने अनुवनराज को ऐसा करने से रोका कि रुक जाइए, और अनुज को इसलिए कहा जाने के लिए, वो भी क्लियर, आज उसने पूरे डायलॉग भी नहीं बोलेंगे पर उस बातों से क्लियर हो गया कि वही वजह थी कि अगर अनुज को नहीं रोकती ना तो अनुज रो जाता, अपनी बेइज्जती करवाते रहता, पर अनुपमा को अकेले नहीं छोड़ता इसलिए उसने टाइम मांगा था, उसने कहा था क्योंकि वो वक्त नहीं था, और वो वहाँ पर पहले से सब इतने दुखी है तो और उनके खिलाफ क्या करे, बोल के ये एक है जो क्लियर नहीं किया होगा तो क्लियर नहीं किया, पर यही सब सही है कि क्या दुखे करना है ऐसे उस परिवार को जहाँ पर किसी बेटी की जान गई हो, तो उससे मैं उसने उन सब में नहीं पड़ी वो, और आज उसने अपनी हर चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी, बहुत अच्छा लगा आज अनुपमा से, मैं यही एक्सेप्ट करती थी, और अनुपमा यही सब मैं समझती थी मैं अनुपमा की इस बात को, क्योंकि वो बहुत अच्छा कैरेक्टर, हमने शुरू से उसको देखा कैसे कर सकती है जिस इंसान से वो इतना प्यार करती, कैसे कर सकती है, विश्वास था जैसे अनुज को विश्वास था अनुपमा पे कि अनुपमा उसके लिए कुछ भी करेगी, और वो छोटी को नहीं रोक पाई तो उसका विश्वास था, तो उसको लगा कि अनुपमा ने नहीं रोका तो वो कुछ भी बदहवासी में अनुपमा को बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बोलता है, वो तो बहुत ज़्यादा बोलता है, फिर जब अनुपमा को अनुज को हमने समझा, अनुपमा ने समझा, तो फिर आज अनुपमा को हमने नहीं समझा कि उसने बेटा खोया है, हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, माँ छोटी का तो अलग ही केस था कि वो कुछ टाइम के लिए गई थी, तो ये हमने आज बहुत अच्छे से क्लियर किया अनुपमा ने, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, टोटली ये शो इसलिए बहुत अच्छा लगा, मालती देवी फिर से गलत कर रही है, मालती देवी को समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ अपना ही सोच रही है, बहुत बुरी तरह से फंसेगी जब अनुज उनको कह देगा कि जाओ, बहुत अच्छा भैया अनुपमा ऐसा होने नहीं देगी, अनुज के साथ ये गलती अनुपमा अनुज से ये गलती नहीं करवाएगी, क्योंकि मुझे पता है वो एक माँ को गिरने नहीं देगी, वो माँ है ना तो माँ को गिरने नहीं देगी, और बेटे से इतनी बड़ी गलती नहीं करवाएगी, पर ये वक्त आ जाएगा अगर मालती देवी नहीं समझी तो, बहुत गलत काम करी बहुत है ना, अभी वो जो पाखी को भड़काएगी वो सब होगा, देखना वो सब होगा, डिंपल भी आने वाली है तो ये सब कलश ये होगा ही होगा, ये तो डेफिनेटली दिख ही रहा है, और देखते आगे क्या होता है, पर कौन कौन अभी इसमें फिर से ये, तो अनुपमा ने अभी ये थोड़ा सा बापू जी को आज अनुपमा ने मैसेज बहुत अच्छा किया कि आऊँगी पर अभी नहीं, बहुत अच्छा किया, ये होना चाहिए कि मैं मेरे टाइम देख के आऊँगी, मेरा वक्त मेरा परिवार ये देख के आऊँगी, ये बहुत अच्छा दिया, ये बात को बापू जी ने समझना ही चाहिए इस मैसेज को, और बापू जी ऐसा कैसे कर सकते, मैं बापू जी से नाराज हूँ, क्योंकि बापू जी ने जब अनुपमा अनुज की शादी की तो उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाने दीजिए, उसको उसका घर परिवार भी है, यह बापू जी ने ध्यान देना चाहिए, जब तुमको अगर अपने ही प्रॉब्लम में घसीटना था तो उसी को उसके मन में अनुज के लिए बातें डाली कि शादी तक तुमने ही उसको समझा था, वो तो तुमसे पूछ के शादी की थी, अनुज को हाँ बोलना या नहीं बोलना डिस्कशन बापू जी से किया था अनुज अनुपमा ने, वो बगीचे में बैठ के कि जब अनुपमा अनुज प्रपोज करता है शादी के लिए तो वो कुछ नहीं बोलते, बापू जी से कहती है ये सब बातें करती है, तो फिर ये बापू जी ने समझना चाहिए कि उसका भी अपना परिवार है, उसकी बेटी और अब तो सास भी है, तो ये बुजुर्गों का काम होता है ऐसा, अगर बेटी मायके बार बार आ रही है तो माँ बाप खुद कहते हैं बेटा अपना परिवार देखो, अगर कोई बेटी ऐसा करती है तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये होना चाहिए बापू जी में, ये गर्व होना चाहिए, नहीं कि हर छोटी छोटी बात में, जब खूब अर्जेंट नहीं हो तो मैसेज था तो अर्जेंट नहीं था तो फिर क्या जरूरत है ऐसे मैसेज करने की, खुद संभालो देखो कोशिश करो, हाथ से जब जा रहा है तो अब अनुपमा को बुलाओ, रही बात वो डॉक्टर वगैरह की तो अनुज को कॉल करो ना आप, अनुज को करो, क्योंकि डॉक्टर अगर जैसे उन लोग बातें कर रहे थे कि वनराज को किसी डॉक्टर को दिखाना है जो भी है, तो ये तो कॉल अनुज को करना चाहिए, इससे सबसे ज़्यादा ऑप्शन तो अनुज के पास है, बहुत पहचान उसकी, डॉक्टर को बहुत बड़ी बड़ी पहुँच है जो हमने अभी देख ही रहे आए कितने दिनों से, समझ में आ रहा है कि अनुज की कहाँ कहाँ पहुँच है, तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन अनुज के लोगों के पास क्या है, तो अनुज से बोलो कि तुम दोनों यहाँ आओ, क्यों बेटी को फ़ोन करके बता रहे हो,
ये गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये बापू जी का। बाकी का शो ठीक है, अब डिम्पी का भी कि वो बात जिस तरह से उसको लेती, तो डिम्पी वो सुनने वालों में से तो नहीं, डिम्पी भी उसके लिए कुछ ना कुछ बोलेगी, पर क्या बोलेगी पता नहीं। पर अनुपमा तो है संभालने के लिए, और डिम्पल की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अनुपमा लेगी, और लेना भी चाहिए, मुझे वो सही लगता है, क्योंकि समर नहीं है। अगर समर रहता तो बात अलग होती, उसके माता पिता नहीं है, डिम्पल पास्ट में क्या थी कैसे थी ये महत्व नहीं रखता, पर आज क्या हालत है ये महत्व रखता है। और आज अगर देखा जाए तो माना अनुज अनुपमा अनु अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो भी अनुपमा ऐसा नहीं करती, अनुज नहीं करते, पर अगर समर की अगर जान भी गई तो समर की कुर्बानी थी अनुज के लिए, तो फिर अनुज भी कैसे पीछे हटेगा, इतना बड़ा वो हुआ तो ये होना चाहिए। मुझे लगता है कि डिम्पल को अनुपमा जो मदद करेगी वो गलत नहीं करेगी। पाखी को समझना पड़ेगा, पाखी को समझ आए ना आए वो उसका मैटर है, पर वो खुद को कैसे हैंडल करती है वो अनुपमा ने, डिम्पल को तो साथ देगी, वो देना भी चाहिए, मैं उसके साथ अनुपमा के साथ हूँ। अब वो आगे क्या होगा वो कोई गलत नहीं डिसीजन है, कल भी मैंने कहा था कि अनुपमा का डिम्पल को अपने घर में लाने का डिसीजन गलत नहीं है, क्योंकि वहाँ कैसे अब देख लिया भाभी कैसे समाज समाज करने में बाहर लगी रहती, तो क्या करेगी उसको, डिम्पल को अपने घर में लाएगी तो क्या करेगी, बार बार जाएगी नहीं, अपने नजरों के सामने रखेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी सारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग, सुबह का नमस्ते, प्यार भरा। आज का एपिसोड देखा, आज के एपिसोड की शुरुआत शाह हाउस से। शाह हाउस में बिना कुछ करे ही उत्साह मना रहे कि मेरे आज बा बड़े खुशी हो, सबको बता रही मेरे पोते को जीत मिल गई। बिना कुछ करे अनुपमा को पीछे हटने के लिए यही बा बोल रही थी। शाह परिवार तो वाकई में बहुत शिल्पीश है। अब वनराज की बीमारी का नाटक चल रहा है, अब देखो क्या होता है। अनुपमा ने अब नहीं जाना चाहिए शाह हाउस, गई भी है तो जाके तुरंत वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अपराज अनुपमा और अनुज का ये सीन देख के बड़ा अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। क्योंकि ऐसा ना कि बहुत दिनों से इरिटेट देख रहे थे, कुछ अच्छा देखने को मिला, पर फिर भी इरिटेट का दूसरा डोज आने ही वाला है सामने, इसलिए कुछ भी हो पर अनुपमा और अनुज को अलग मत करना। आज अनुज ने मालती देवी को क्लियर बोला कि उन्होंने कहा वनराज उसका एक हस्बैंड है, इंसान तो है, उसकी ये करती है, इतना बोला कि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब आज भी वो अपनी ये, पर मालती देवी अपनी मालती देवी बोल रही कि मेरे बेटे को संकट में डाला और ये हो रही है वो, मतलब मालती देवी अपनी चाल चल रही है। और वो छोटी सी माहिती लेती है कि उनके रूम में क्या हो रहा है, मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। मालती देवी को क्या करना, वो अपने रूम में कुछ भी करे, मालती देवी होती कौन है। इतने साल उसको ये नहीं आया, अब अपना हक जताना चाहती। वैसे भी मालती देवी का कपाड़िया से क्या मतलब, मालती देवी का तो सरनेम अलग होगा, फिर मालती देवी कपाड़िया के ऊपर क्यों हक जमा रही। उन्होंने तो कपाड़िया, अनुज जब उनको ये नहीं कर रहा है तो वो क्यों ये कर रहे हैं। अनुपमा की वजह से ही मालती देवी रह रही है, फिर भी आज बड़े प्यार से ये कर रहा है, रिकैप में देखा ये खिला रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, तो सिर्फ अनु उसी का पति है, अनुपमा का ये नहीं है वो। तो मालती देवी होती कौन है। मालती देवी बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही, मेरे को मालती देवी वैसे भी शुरू से पसंद नहीं आती, ना वो गुरु कहलाने लायक है ना माँ कहलाने लायक है, एक वो अच्छी औरत ही नहीं है जिसको सिर्फ ये। अब वो और अनुपमा की बेटी महान है जिसको अपने अतिरिक्त तो कुछ दिखता ही नहीं है, बस मैं करती रहती है। अब अनुपम अब मालती देवी पाखी के साथ मिलके पता नहीं क्या करने वाली है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि मालती देवी डिम्पल को जहर दे देती है, बहुत गलत दिखा रहे हैं। और है ना अनुज अनुपमा को ये नहीं, अब है ना अनुज ने मालती देवी को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। और सुना है कि मालती देवी का बेटा एंट्री करने वाला है, अगर मालती देवी का दूसरा बेटा था तो मालती देवी अनुज के पास क्यों आई, क्यों पागलों जैसी घूम रही थी, वो अपने बेटे के पास जाके रहती, इतनी धन दौलत होते हुए भी ये करे, कुछ तो गड़बड़ है। मालती देवी का अगर दूसरा बेटा है जो अनुपमा की ज़िंदगी इन दोनों को अलग कर,
चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर अनुज अनुपमा ने अलग नहीं होना चाहिए और किसी के कहने में नहीं आना चाहिए। और मालती देवी का दूसरा बेटा था तो मालती देवी ने वहाँ जाके रहना चाहिए था, यहाँ क्यों पड़ी है इन लोगों के बीच में, वो बहुत घटिया। पर हाँ, आज मेरे को बरखा का ये बहुत अच्छा लगा, चुप ऐसा बोलना। अब बरखा ने अनुपमा का साथ देना चाहिए, नहीं तो बरखा मालती देवी तुम्हें भी घर के बाहर का रास्ता दिखा देगी। बस थैंक यू अंजू मैम, और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा कि घर आते हैं और अनुपमा का फोटो छपता है। बापूजी कहते हैं कि आज मेरी अनुपमा अच्छी नींद से सोएगी। अच्छा लगता देखने में, सुनने में भी। लेकिन आपने जो बात कही बापूजी के लिए, सच में कभी भी अनुपमा अनुज के साथ दो मिनट या दो सेकंड के लिए अगर वो खुश रह जाए और ये शाह हाउस वाले का कॉल ना जाए या मैसेज ना जाए, पता नहीं ये शाह हाउस वाले कभी ज़िंदगी में सुधरेंगे नहीं। और बापूजी इतने बड़े होकर घर के बड़े मेंबर होने के नाते उन्हें चाटा मारना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी वाइफ को भी सबक सिखाना चाहिए कि तुम चाहती क्या हो। बाहर वाले दुनिया वाले लोग बोले बोले, लेकिन हमारी पोते की बहू है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट लेडी को तुमने गोलगप्पे तक खाने नहीं दिए, यहाँ तक कि उसकी पानी तक छीन के मतलब फेंक दी, ये तरीका थोड़ी सही है। और अगर वो थोड़ा सा हंस बोल भी ली तो क्या हो गया? अंदर में वो क्या अपने पति का गम बर्दाश्त कर रही है? उसको ये फील नहीं होता होगा कि समर मेरे साथ नहीं है? इस टाइम पे एक पति ही अपनी पत्नी को ये गोलगप्पे हो, चाहे चाट पकौड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, मिठाई हो या घी का कोई भी सामान बना हो, पति करके देता है। कि इस टाइम पे अपने पति अगर ध्यान नहीं देगा तो सबसे बड़ी गलती है। आज उसका पति नहीं है तो आप सास होने के नाते आपका भी राइट बनता था, और अब सास भी नहीं है, तभी सास है। वो कहते हैं ना, मूलधन सबसे प्यारा होता है। पोते की बहू का सबसे मान प्यार, जो सबसे ज़्यादा प्यार अट्रैक्शन कौन देता है? दादी सास देती है, दादा ससुर देते हैं कि अरे यार मेरे घर में तो पोते की बहू आ चुकी, उसका बच्चा आने वाला, मैं परदादी बनने वाली हूँ। तो उल्टा उल्टा कितना भी कुछ भी अपने बहू में कमी, मतलब पोते की बहू में कमी हो, लेकिन तब भी वो नज़रअंदाज करती हैं कि नहीं, हम लोग अपने तरफ से, अब उसकी सास सलटेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन आपने तो हद ही कर दी, बड़े होने के नाते आपने इतना हद कर दी कि केंजल तक बहू होकर वो भी भाग गई यूके, कि मैं भी यूके जाऊंगी, अब यहाँ नहीं रहूंगी। इसलिए नहीं रहती है कि आप कभी भी कोई बहू का रेस्पेक्ट करती नहीं है, इसीलिए आपकी सास भी आपका रेस्पेक्ट नहीं करती थी। तो बोलते ना, कर्मा ही बेस आएगा। और अब डिम्पी और काव्या, ये दो जन प्रेग्नेंट है, देखिए आपका अभी क्या क्या होता है। मुझे तो लगता है कि अब डिम्पी को भी मैं नागिन बोलूं या कुछ बोलूं, वो तो अभी बोलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि शादी पर बापूजी सच में श्रेमलेस है। मुझे भी ये बात आपके पहले बोलने से पहले मैं भी सोच के रखी थी कि आज बोलूं मैं, लेकिन आपने मेरी बात को ही आपस में डाल दी कि नहीं, ये सच में शर्मसार है कि कभी भी कुछ भी हो, दो मिनट के लिए देखिए अपनी बेटी को कंसर्व की कि अब तुम्हारे को और पापा को मैं टाइम दूंगी, तुम्हारे को स्कूल के लिए रेडी करूंगी, तुम्हारे लिए चोटी बनाऊंगी, तुम्हारे लिए हर चीज़ करूंगी, डांस सिखाऊंगी, तो बच्ची कितनी खुश हो गई कि वाह मेरी मम्मी, अब मेरी मम्मी मेरे को टाइम दे सकती है। अनुज भी खुश हो गया, और यहाँ पे पाकी का अलग ही मैटर चल रहा है, दिखाने के लिए सब खुश है। बाहर वाले दुनिया वाले भी आके कि केस हारने के बाद भी वो हार नहीं मानी, जीत के दिखाई। सोचिए आज कोई भी लेडीज जीतती है, करती है तो चाहती है कि पब्लिसिटी हो, पर वो बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए जस्टिस की तो उसने खुद कहा कि मुझे कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई मीडिया वाले को अपना बयान नहीं देना है या कुछ भी इंटरव्यू नहीं देना। तो वो होती है पत्नी, वो होती है एक माँ। और दूसरा चीज़ ये कहना चाहूँगी, सच में अनुज जैसा पति सबको मिलना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 365 दिन में भी अगर 4 दिन भी पति, मैं ये नहीं बोलूँगी 365 दिन ही गर्म चाय पिलाए बना के सुबह, वो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन 365 दिन में कम से कम 4 दिन भी पति
चाय और नाश्ता बना के सुबह दे देना तो वो पत्नी का दिन अच्छा हो जाता है। लेकिन कोई पति नहीं करके देता है, बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो करके देते हैं, जिसे कभी कभी तो सारे पति को बेटी चाहिए रहती है, तो मुझे मैं गद्दा से उठूँ नहीं, मुझे चाय और पानी चाहिए। ये नहीं समझ में आता है कि मेरी भी वाइफ उठे, नहा धो के रेडी हो, मैं उसके लिए नाश्ता और खाना बना के रखूँ, वो खाए और एक दिन चैन से सोए। बहुत कम पति होते हैं। तो मानना पड़ेगा अनुज का कि अपनी वाइफ को प्यार करना, उन्हें रिलैक्स होके नींद करवाना कि तुम और सो जाओ थोड़ा देर, मैं नाश्ता सब रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे लेके आऊँगा, ये सरप्राइज़ है। तो आज अच्छा लगा देखकर। मालती मैम तो जल रही हैं, कुढ़ रही हैं, देखते हैं क्या क्या होता है आगे स्टोरी में। थैंक यू मैम, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, आई लव यू टू, बाय मैम। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई हो, और मैम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन एक नया चैनल खोलने के लिए। आपके दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो, बस मैं यही चाहती हूँ, और मैं हमेशा किसी न किसी तरह से आपसे जुड़ी रहूँ यही चाहती हूँ। मैम दोनों आपके वीडियो देखे और धारावाहिक भी देखा, पहले वीडियो में आपने बताया बापूजी के लिए कि हर छोटी छोटी बात में बापूजी अनुपमा को बस बुला लेते हैं। शाह परिवार में वैसे तो बापूजी जब अनुज का अपमान हो रहा था तो कुछ भी नहीं बोले, तब चुप रहे। वनराज अपमान कर रहे थे, बा उसको बोल रही थी अनु, तो कुछ भी नहीं बोले। लेकिन आज बड़े उससे कह रहे हैं कि अनुपमा चैन की नींद सोएगी। आपके पहले वीडियो में देखा और धारावाहिक भी देखा, तो अब आपने ये भी बताया कि एक तरफ पापू जी ये कह रहे हैं कि चैन की नींद अनुपमा बहुत दिनों बाद सो रही होगी, और दूसरी तरफ वॉइस मैसेज करके बुलाते हैं अनुपमा को कि तू यहाँ आ जाए। हो सकता है ये डिम्पी वाले कांड के लिए हो या किसी और बात के लिए हो, पर छोटी छोटी बातों के लिए अनुपमा को बुलाना बापूजी अब आपकी उम्र के हिसाब से शोभा नहीं देता। और हाँ, जीत होने पर आपके दूसरे वीडियो में आपने बताया कि बा अनुपमा समझ रही है डिम्पी को, लेकिन ये गलत है। वो एक प्रेग्नेंट औरत है, और अगर पानी पूरी गोलगप्पे खा लिए तो क्या हो गया। बा को मौका और समय देखना चाहिए था। अभी उसका पति चला गया है, तो क्या ये सती होने का ज़माना है कि पति मर गया तो औरत हंस भी नहीं सकती और कुछ कर नहीं सकती। प्रेग्नेंट है, उसे कुछ खाने का मन हुआ और बाहर जाके खा लिया, तो क्या हो गया। बा थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना चाहिए था। खैर, आप कभी नहीं सुधरेंगी। और धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में शाह हाउस में सब पड़ोसी वगैरह बधाई देने आते हैं कि अच्छा हुआ आप लोग केस जीत गए, और पड़ोसी वनराज के बारे में पूछते हैं, काव्या वनराज को बुलाने जाती है। वनराज मना कर देता है, ये काम मुझे करना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया, ये अनुपमा ने किया। इधर शाह हाउस में सब अनुपमा की तारीफ कर रहे हैं, अनुज का किसी से ने भी नाम नहीं लिया कि अनुज का साथ था, अनुज अनुपमा दोनों साथ में थे, तभी ये असंभव संभव हो पाया है। और उधर कपाड़िया हाउस में मालती देवी बस अनुपमा ने तो मेरे बेटे की जान दांव पे लगा दी थी, थैंक गॉड जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अनुपमा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे बेटे की जान दांव में लगाने के लिए। उधर वहाँ वो मेरा बेटा कर रहे हैं, इधर ये अनुपमा अनुपमा कर रहे हैं। ये लड़ाई इन लोगों ने इंसाफ के लिए मिलकर करी थी। अगर देविका का साथ नहीं होता तो ये तीनों में से कोई एक भी लड़ाई नहीं लड़ पाता था। तीनों का साथ था, सफलता तीनों की थी। हाँ, पर अनुज अनुपमा की बातचीत अच्छी लगी। अब अनुपमा कह रही है कि मैं अपने परिवार, अपने बिजनेस और अपने घर पर ही ध्यान दूंगी और अपने डांस एकेडमी पर ही ध्यान दूंगी। सच में अनुपमा अब अपनी जबान से मत फिरिएगा। छोटी ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि मम्मी अब आपके पास समय तो होगा ना। अनुपमा ने कहा हाँ, अब मेरे परिवार के लिए ही समय होगा। अनुज नाश्ता बनाकर खिला रहे हैं मालती देवी को, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। टिपिकल सास की तरह बिहेव कर रही है मालती देवी, और बार बार बरखा का
मालती देवी को उकसाना मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बरखा, ये आप क्यों नहीं समझ रही कि अगर मालती देवी कपाड़िया हाउस में टिक गई या अनुज ने किसी भी तरह से उसको अपनी माँ मानना शुरू कर दिया तो आपकी उल्टी गिनती तो पक्की है। आप खुद अपने लिए गड्ढा खोद रही हैं बरखा। खैर, जो आपकी समझ में आए वो कीजिए। और आज के धारावाहिक से मुझे दो तीन बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। पहली, हम इस धारावाहिक में कहीं नहीं आया, सिर्फ अनुपमा के मुंह पे आया कि अनुपमा ने खुले दिल से अनुज से माफ़ी भी मांगी क्योंकि समर के हादसे के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं और आपके साथ जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, उसके बावजूद आपने मेरा साथ दिया और ये जीत हम तीनों की है। ऐसा ये हम अनुपमा के माध्यम से ही सुना गया, बाकी मेरा शाह हाउस कपाड़िया उसमें अभी तो शु को अपना फ़र्ज याद आ रहा है, जब फ़र्ज़ निभाने की हकीकत में ज़रूरत थी तब तोशु आप खसक गए थे बीच में से, आपने अपने अपना रास्ता ना अपना ही उचित समझा था। और उधर कपाड़िया शाह हाउस में बार बार तोशु को ताने मेर रही कि तू जा लंदन जाके देख ले, क्या है बा आपको जेलेसी है या आपको चिंता है कि आगे इनके चले जाने से क्या होगा? आपके लिए तो अनुपमा है ही, हमेशा ही अवेलेबल रहती है, आप अनुज की कदर करो ना करो, लेकिन अब अनुपमा को चाहिए अपने और शाह परिवार के बीच में एक लकीर खींचनी होगी क्योंकि अब उसका बेटा भी, जो बड़ा बेटा भी है वो भी जा रहा है। तो अब अपनी गृहस्थी देखो अनुपमा, काव्य प्रेग्नेंट है तो ऐसे तो हजारों और से प्रेग्नेंट होती है, तो क्या हर किसी की समस्याओं के लिए आप हमेशा छोटी और अनुज को इग्नोर करके यहाँ आती रहोगी? अच्छा है आज बापूजी ने आपको वॉइस मैसेज करके बुलाया, शायद वो डिंपल की वजह से बुलाया है या कोई और बात है, जो भी हो अभी अपने मैसेज करके अच्छा हुआ तुरंत भागी भागी नहीं जा रही है। ये सीन देखकर अच्छा लगा कि अनुपमा ने कह दिया मैं आऊँगी पर बाद में आऊँगी। अब अनुपमा आपकी जिम्मेदारी आपके अनुज और आपकी छोटी के लिए है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप शाह परिवार की जिम्मेदारी निभाते निभाते मालती देवी को बार बार मौके देती रहें कि मालती देवी अपने अपने आपके घर को अपना घर समझ के बैठ जाए और आप पे हुक्म चलाने लगे। मालती देवी लीलाबा नहीं है, लीलाबा तो सिर्फ ताने मारती थी लेकिन मालती देवी तो साजिशें रचने में भी माहिर है, आपको हर तरह से बर्बाद करने के लिए वो कटिबद्ध है, आज भी उनका उद्देश्य यही दिख रहा है। मेरा बेटा एक बार मेरा हो जाए तो वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देंगी और शाह हाउस वाले भी हमेशा जहाँ मतलब होता है वहाँ शाह हाउस वाले अभी तारीफ के पुल बांधने के लिए अच्छा हुआ हम केस जीत गए। और बा ने डिम्पी को पानी पूरी खाने से रोका, क्यों बा? क्या उसका पति मर गया है तो उसे जीने का अधिकार नहीं है? कम से कम देख तो लेती वो किसके साथ है क्या है। हाँ, आपको लगा होगा कि वो किसी लड़के के साथ हाथ ताली दे के अच्छे से खुश हो के खा रही थी, तो वो हो सकता है उसकी फ्रेंड का हस्बैंड हो, क्या रिलेशन था पहले देख तो लेती आप किसी के भी चरित्र पे उंगली उठाती और खाते खाते उसको खींच के ले आई, ये आपके पद को शोभा नहीं देता है बा। और कल के प्रोमो में दिखाया जाएगा कि पाखी और मालती देवी अपने अपने कांड करने वाली हैं। थैंक यू सो मच अंजुमन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन दूसरा नए चैनल खोलने के लिए जो जेंट्स लोगों के लिए अनुपमा धारावाहिक के रिव्यू देने के लिए खोला गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना, सच में कल का भी रिव्यू सुना, कल मैं भेज नहीं पाई क्योंकि तबीयत ही बहुत ख़राब थी मेरी, जिसकी वजह से मैं कल अपना रिव्यू नहीं ऑडियो नहीं भेज पाई, लेकिन आज भेजूंगी क्योंकि आज का एपिसोड और कल का एपिसोड सच में बहुत ही अच्छा था। जिस साहस से अनुपमा ने
उस सोनू के सामने डट के रही और उससे उसी के मुंह से सब कुछ उगलवाया। सच में वो बहुत ही काबिले तारीफ था, लेकिन मालती देवी को क्या ही कहे, ना वो एक अच्छी माँ बन पाई, ना कभी अच्छी पत्नी बन पाई, और अब ना ही वो अच्छी सास बन पा रही है। वो हर बार अनुपमा के खिलाफ ही बोलती है अनुज के सामने, और अनुज हर बार उन्हें सही तरीके से जवाब देता है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधर रही। और उसमें बरखा का और आग में घी डालने का काम करना, सच में ये बरखा भी नहीं सुधर सकती, क्योंकि वो जानती है कि अनुजा अनुपमा को वो भी जब आई थी तब उन दोनों का प्यार देख के वो भी जल रही थी, वो भी चाहती थी कि ये लोग अलग हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे जब राखी दवे कुछ नहीं कर पाई, काव्या कुछ नहीं कर पाई, ना बरखा कुछ कर पाई, तो मालती देवी आप क्या ही कर लेंगी। आप कितना भी कुछ क्यों ना करना चाहे, कभी नहीं कर पाएंगी आप, क्योंकि अनुज और अनुपमा दो जिस एक जान है, वो कभी अलग नहीं होंगे। और सच में आज बहुत ही अच्छी बातें कही, और उस टाइम हमने भी देखा था अनुपमा उस मेंटल स्टेट में थी ही नहीं, वो ना कुछ समझ पा रही थी, ना ही वो कुछ समझने की स्थिति में थी। और ये बात तो सच है, हम भी सब जानते हैं कि जब अनुपमा अपनी स्थिति से बाहर निकलेगी वो माफी जरूर मांगेगी, तो वो सीन आ जा चुका। कितना प्यारा सीन था, सब अपने सूरज को देखते, लेकिन मैं अपने चांद को देख के जगता हूँ, उठता हूँ। क्या बात है शायर कपाड़िया जी, कितने प्यार से वो अनुपमा को देख रहे थे सोते हुए। और बिल्कुल सही कहा आपने भी अंजू जी, कि इन दोनों की जब भी कोई भी सीन आता है बहुत कुछ समझ में आता भी है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। आज अनुपमा ने माफ़ी मांगी तब उसने कहा कि तुम्हें पता है मैं क्यों नहीं टूटता, क्योंकि तुम अगर टूट जाती हो और रूठ जाती हो तो मैं भी टूट जाता हूँ, रूठ जाता हूँ। तुम मेरा वजूद हो, हाँ हम दोनों बोलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ बात नहीं करेंगे जो पहले भी हो चुका था, लेकिन हम अलग कभी नहीं हो सकते। अनुज और अनुपमा कभी भी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुमसे ही मेरा वजूद है। अनुपमा है तो अनुज है, और अनुज है तो अनुपमा है। अगर तुम टूटोगी, तुम बिखरोगी, तो मैं भी बिखर जाता हूँ। ये बात तो सच। और आज उसने ये भी कहा कि क्या हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, फॉरएवर समर, ये सब थे अनुज के। तब अनुपमा कहती है हाँ समर के लिए हम फिर से वही नॉर्मल लाइफ जिएंगे। तब वो कहती है कि बहुत दिनों से मैंने आपको और छुट्टी को समय नहीं दिया, इसलिए अब मैं दूंगी आपको और छुट्टी को पूरा टाइम दूंगी, हमारा ऑफिस, मेरा डांस, हमारा घर और हमारा परिवार। लेकिन फिर से बापूजी ने मैसेज डाल के सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन फिर भी उसने भी कह दिया कि आऊंगी लेकिन बाद में, अभी नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया अनुपमा ने। बापूजी खुद कुछ भी हैंडल नहीं कर पाते, साह परिवार में क्या कोई भी मैच्योर नहीं है कि खुद से कुछ भी नहीं कर पाते,
कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं हुई तो अनुपमा, कुछ भी हुआ तो अनुपमा। और जिस तरीके से आज माँ ने हरकत की डिम्पी के साथ, सच में बहुत बुरा लगा। अरे वो विधवा है तो क्या घर में ही बैठी रहे? और ये समझ किससे बनता है? हमसे ही तो बनता है। सही कहा आपने कि वो प्यार से भी लेके जा सकती थी, मुँह तोड़ उन औरतों को जवाब भी दे सकती थी। तो क्या हुआ वो पानी पूरी खा रही है तो क्या पानी पूरी नहीं खा सकती? वो माँ बनने वाली है, उसे खुश रहने का अधिकार नहीं है? लेकिन नहीं, बस दो औरतों ने क्या बोल दिया कि माँ का दिमाग घूम ही जाता है। लेकिन सच कहा कि वो डिम्पी है, अनुपमा नहीं है, वो नहीं सुनेगी। जब डिम्पी अच्छे से रह रही है सब कुछ का, तो माँ को भी तो समझना चाहिए। क्या विधवा हुई है तो क्या घर में ही बैठी रहेगी? क्या उसे खुश होने का, कहीं बाहर जाने का, आने का कुछ कोई अधिकार नहीं है? ये सही बात है कि अगर बीवी मर जाए तो आदमी 2 दिन बाद 8 दिन बाद अपने लिए दूसरी बीवी ढूंढने लग जाता है। लेकिन अगर वही पत्नी अगर विधवा हो गई तो वो कहीं जा भी नहीं सकती। ऐसा समाज क्यों है कुछ समझ में नहीं आता। उससे भी जीने का अधिकार है। और एक बार रेखा जी, मैंने भी आपकी बात सुनी थी, सॉरी मैं बोलना भूल गई। सच कहा आपने कि आप भी कम उम्र में ही विधवा हुई थी, आपके भी पति घर नहीं रहे थे, लेकिन आपकी बेटियों ने आपका साथ दिया। सच में आपकी बेटियाँ बहुत ही हिम्मत वाली है, प्राउड ऑफ यू रेखा जी। सच में आपकी बेटियाँ आपका ही गुरूर है। अच्छा लगा ये बात सुन के। पता नहीं ये समाज क्यों ऐसा है कि आदमी चाहे कुछ भी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती है। और बापूजी ने इसीलिए बुलाया होगा अनुपमा को भी कि पा ने तमाशा किया होगा। और वो तो डिम्पी है, वो तो बोलने में तो पीछे रहेगी नहीं। लेकिन गलत किया बा ने, बेचारी वो पानी पी रही थी तो हाथ से वो पानी भी उन्होंने पीने नहीं दिया डिम्पी को, और हाथ पकड़ के खींच के लेके चली गई। इतना कुछ हो गया लेकिन बा नहीं सुधर रही है। अरे कोई और औरत होती तो सुधर भी जाती। और वनराज को इतना कौन सा टेंशन आ गया, कुछ भी तो नहीं किया है साहस, तो सिर्फ हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे रहते। जो कुछ किया वो अनुपमा अनुज ने किया है, फिर भी उसे गिल्ट है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। तो करता ना बाहर जाके तो कब मदद कर सकता था? नहीं, बस घर पे बैठे रहने का काम करते रहो और फिर डिप्रेशन में जाओ। वाह, कुछ नहीं कर पाएगा वनराज भी, बस देखते रहो तमाशा। सपरिवार का एक ही पैटर्न हो चुका है कि घर में तमाशे करो, और जब वो तमाशे ना सुलझा पाए और वो झगड़े ना ही ना वो संभाल पाए तो अनुपमा को बुला लो। जैसे अनुपमा की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। खुद ही कहते हैं ना बापूजी आज के इतने दिनों बाद अनुपमा चैन की नींद सोई होंगी। और दूसरे ही पल में मैसेज, वाह। बापूजी का तो हर बार का ही है, बापूजी कभी घर का खुद तो कुछ भी नहीं कर पाते। ना वो अपनी बीवी को संभाल पाते हैं, ना अपने बेटे को संभाल पाते हैं, ना किसी और को संभाल पाते हैं। खासकर अपनी बीवी को तो कभी वो हैंडल कर ही नहीं पाते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बा सिर्फ और सिर्फ बाघ कहने को तो मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कह रहे हो कि बापूजी के सर पे टंडवी करती रहती हो, नहीं संभाल पाते बापूजी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते।
और अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और एक बात और है अंजू जी कि हाँ आज जो सर ने जो शुरू किया है चैनल मैं देख चुकी हूँ, और जब भी आता है तब मैं देखती हूँ। सिर्फ इतना कि मैं सब्सक्राइब नहीं किया है मैंने, लेकिन मैंने सुना है सर का और बहुत बार सुना है, लेकिन अब जरूर करूँगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देने के लिए और अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेरे वीडियोस पे भी रखने के लिए, धन्यवाद। तो जिन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने रिव्यूज नहीं रखे हैं, उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे अपने ऑडियो या फिर वीडियो भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो का। और हमारा दूसरा चैनल फिल्मी खबर हटके भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको उसमें भी अनुपमा के बारे में एक डिफरेंट रिव्यू देखने को मिले, सुनने को मिले। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।